अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका अपने यूट्यूब चैनल उमंग कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन में। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है नोटपैड के लिए। तो सबसे पहले नोटपैड शुरू करने के हमें स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज और नोटपैड। नाजरीन, वीडियो के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना भी लाजमी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर नई वीडियो समझ में आता है तो आप दोबारा उसको स्किप करके भी देख सकते हैं। पहले मेनू में हमने फाइल देखा था, अब हम देखेंगे एडिट के बारे में। लास्ट टॉपिक अपना ओपन, न्यू, सेव एज, सेव, प्रिंट और एग्जिट हुआ था। आज के टॉपिक में हम एडिट के बारे में जानेंगे। एडिट के बारे में जानने के लिए हमें पहले कुछ टाइप करना पड़ेगा। ये मैंने कुछ टाइप किया। सबसे पहली कमांड आती है इसमें अंडो। अंडो मीन्स जैसा मैंने यहाँ तक जो सीक्वेंसली टाइप किया, अगर आपको इसको हटाना है तो आप इसे अंडो कर सकते हैं। अंडो करने के लिए आपको एडिट और अंडो बेस का शॉर्टकट कंट्रोल जेड है, ये अंडो हो गया। वापस से आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको दोबारा से अंडो करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना कट का। कट करने के लिए पहले आप सिलेक्ट कर दीजिए, जैसा मैंने इतना मुझे कट करना है। इसको कट करने के लिए मैंने सिलेक्ट किया, ये कट, ये चला गया। वापस से आप इसे लाना चाहते हैं तो इसे आप अंडो भी कर सकते हैं या फिर पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अपना टॉपिक आता है कॉपी का। कॉपी के लिए पहले मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी के लिए मैंने सिलेक्ट किया कॉपी। अब जहाँ पर आप कर्सर, ये जो आपको ब्लिंक होते दिखाई दे रखी ले, इसे कहते हैं कर्सर। जहाँ पर भी आपका एक कर्सर रहेगा वहाँ पर एक पेस्ट होगा। तो आप जहाँ पे भी इसे पेस्ट करना चाहे पहले कर्सर की पोजीशन सेट कर ले, उसके बाद ही इसे पेस्ट करें। एडिट और पेस्ट, ये मेरे कर्सर की पोजीशन आ गई। दोबारा से मैं इसे पेस्ट करूँगा, ये हो गया पेस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना डिलीट का। डिलीट, अगर मुझे इतना हिस्सा नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इतना कट करना है, तो उसके लिए मुझे जो भी हिस्सा आपको कट करना है पहले उसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये डिलीट, ये वहाँ से हट गया। दोबारा देखने के लिए आप ये देखिए सिलेक्ट और ये डिलीट, इसे अंडो कर देते हैं हम, आ गया। अब आता है फाइंड। फाइंड मीन्स किसी को ढूंढना। अगर आप कोई लफ्ज़ इसमें ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फाइंड कमांड पे जाना है। कंट्रोल एफ इसका शॉर्टकट है, फाइंड पे क्लिक करिए और जो भी वर्ड, सेंटेंस, लफ्ज़ आपको ढूंढना है उसे टाइप कीजिए। ये मैंने टाइप किया उमंग, मुझे उमंग ढूंढना है। अब इसमें जितना नोड आपने टाइप की है, इसके अंदर जितने भी उमंग होंगे ये रैंडमली आपको दिखाते जाएगा। ये यहाँ से सिलेक्ट कर ले, अप या डाउन, या डाउन साइड से ऊपर लेके जाएगा, ये अप साइड से नीचे लाएगा। उमंग दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू ब्लू स्क्रीन पे जा जाओ, उमंग है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना फाइंड नेक्स्ट। सेम कमांड है, सेम है, आप दो फाइंड भी कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब रिप्लेस, सबसे इम्पोर्टेंट कमांड नोट पैड में मुझे अच्छी लगती है, रिप्लेस और गो टू। तो पहले हम रिप्लेस देखते हैं। रिप्लेस, जैसे यहाँ उमंग कंप्यूटर है तो आपको हटाना है, मुझे कंप्यूटर हटाना है यहाँ से। कंप्यूटर जो शब्द है वो हटाना है बराबर, और उसकी जगह इंफॉर्मेशन लिखने का है, तो यह इन्फॉर्मेशन टाइप कर दीजिए। याद रखिए,
जो लफ्ज़ आपको हटाना है वो ऊपर, लफ्ज़ आपको रिप्लेस करना है वो नीचे आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरा कल्चर जहाँ पर रहेगा वहाँ पर ये रिप्लेस होना, वहाँ से शुरू होगा ये रिप्लेस वन, कल्चर अपना यहाँ था, ये रिप्लेस इन्फॉर्मेशन आ गया, फिर रिप्लेस। जितने बार आप रिप्लेस करेंगे रैंडम एक एक करके रिप्लेस होता जाएगा। अगर आप उसे ऑल करेंगे तो ये एक साथ पूरा रिप्लेस हो जाएगा, जैसे इन्फॉर्मेशन आ गया कंप्यूटर हट के। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट कमांड है गो टू। गो टू यहाँ पर हाइट दिखा रहा है, मैं आपको उसका डिटेल बता देता हूँ कि गो टू वर्क कैसा करता है। जैसा मैं यहाँ पर हूँ, अगर आपको जानना है कि आप कौन सी लाइन पर और कौन से आपको कौन से लाइन पर जाना है, ये जानने के लिए आपको कंट्रोल जी दबाइए कीबोर्ड पर, या एडिट में जाकर गो टू का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, वहाँ पर आप लाइन नंबर डाल दीजिए, जो भी लाइन पर आपको जाना है आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना ऑल सिलेक्ट। ऑल सिलेक्ट मतलब एक साथ एक एट ए टाइम पूरा सिलेक्ट करने का। उसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाना है, या तो फिर आप कमांड से एडिट और ऑल सिलेक्ट में भी जा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। अब जहाँ पर आपका कल्सर है या जहाँ पर आपको डेट और टाइम लेना है, जैसे मुझे यहाँ डेट और टाइम लेना है, तो यहाँ पहले कल्सर की पोजीशन सेट कर लीजिए, एडिट में जाइए और डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए। ये डेट एंड टाइम जो एक्चुअल में अभी जो डेट और टाइम हो रहा है वो टाइम आपको यहाँ दिखा देगा। आज का टॉपिक अपना यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले टॉपिक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर सीख सकें। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।